इनको मुंडरिया जो बोलते हैं, काफ़ी अच्छा इनका साइज होता है, लगभग 25 किलो। ये गठियाँ इस प्रकार से बनाते हैं, हीरे का पत्थर होगा ये, परफेक्ट तारबाड़। प्रत्येक ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल रही है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल हिमराट कल्चर। दोस्तों सुबह के 7 बजे हैं और अभी मैं इस जौ की गठियाँ बनाने का यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सुबह से लग गया था और अभी तक मैं काफ़ी सारी गठियाँ यहाँ पे बना चुका हूँ। ये गठियाँ इस प्रकार से बनाते हैं, इसको मुठ बांधना बोलते हैं। और ये है जौ की अदोली गठियाँ, और इनको इस प्रकार से ऐसे मुठ बनाते हैं और फिर इस तरीके से बांधते हैं। फिर सूखने के बाद इनकी कटाई होगी। एक घंटे में इतनी गठिया में बना चुका हूँ। कल जो हमने जो बनाई थी, जो कि मनाई हुई थी, तो कल इतना प्रोडक्शन हुआ, लगभग 25 किलो। ये प्रोडक्शन हर दिन ऐसे यूं ही बढ़ता जाएगा। कल का प्रोडक्शन है और इसी प्रकार से लगातार 10-15 दिन कंटिन्यू जौ की मंडाई होगी और इस आधार पे हमारा ये प्रोडक्शन पर डे प्रत्येक दिन यूं ही बढ़ता जाएगा। ये मुंडरिया जो बोलते हैं, काफी अच्छा इनका साइज होता है जौ का, जो हमने जो हमारे राठ में किस्म होती है जो कि, तो इसी तरह से प्रत्येक दिन मंडाई होती रहेगी और लास्ट में कितना प्रोडक्शन होगा हम आपको बताएंगे। आज का नाश्ता सुबह छोले, आलू छोले, और ये है बजरी गाय की दूध की दही, पपीता, ये रोटियां। नाश्ता करने के बाद अब सेकंड ड्यूटी फार्म हाउस में। आज बहुत सारी वहाँ पे काम करने हैं तो अभी रास्ता लगा हुआ हूँ और कुछ ही देर बाद आपको मिलता हूँ अपने नर्सरी फार्म हाउस में। आज नर्सरी में पहुँच करके पहला काम है यहाँ पे जड़ी बूटी की नर्सरी में पानी देने का हो रहा है, और धीरे धीरे हमारे सभी जड़ी बूटियों पे मोलियार आना शुरू हो गया है। कुछ ही दिन बाद हम यहाँ पर निराई गुड़ाई का काम करेंगे। तो अभी यहाँ पे आगे जड़ी बूटी की नर्सरी में पानी दे दिया है और अब कुछ यहाँ पे पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स अमेज, उनमें भी पानी देने का यहाँ पे काम होगा। ये है अमेज के पौधे, उनमें भी पानी देने का काम हो गया है। सभी नर्सरियों में पानी देने का यहाँ पे काम हो गया है। अब इनको ऊपर से कवर कर देंगे पॉलीथीन से ताकि इनकी नमी खत्म ना हो सूर्य की तीखी किरणों से। सुबह के 10 बज गए हैं, अब नए सेब के रूट स्टॉक पौधों में पानी देने का यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये हैं नए पौधे और इनमें थोड़ा थोड़ा पानी देंगे, इनमें मोलियार भी शुरू हो गया है। ये सक्सेसफुल हो गई है ग्राफ्टिंग हमारी, जितनी भी हमने यहाँ पे ग्राफ्ट करके पौधे लगाए थे, प्रत्येक ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल रही है। दोस्तों शाम के 1:30 बज गए हैं और अब मेरा काम होगा यहाँ पे कुछ पत्थरों की रोड़ी तोड़ना। तो यहाँ पे कुछ पत्थर हैं, उनकी मैं रोड़ी बनाऊंगा। यहाँ पे कुछ दिन बाद मेरा विकास कार्य शुरू होगा तो उनके लिए सीमेंट के लिए मैं यहीं से पत्थर तोड़ करके रोड़ी बनाऊंगा। रोड़ी नीचे बाजार से यहाँ तक काफ़ी महंगी पड़ती है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे पत्थर हैं वैसे बिखरे पड़े, तो उनको तोड़ करके मैं रोड़ी बनाऊँगा।
पौने घंटे में 2 कटे जोड़िया मैं तोड़ चुका हूँ। और ये पत्थर तोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार का बन जाता है, जैसे गोल्डन कलर होगा, हीरे का पत्थर होगा, चमकीला सफ़ेद कलर का। तो ये काफ़ी मजबूत होता है ग्रेटिन डालने के लिए। शाम के 4 बजने वाले हैं और अब मैं अपने रेन वाटर टैंक के एक तरफ घेरबाड़ करने वाला हूं। ये है अयार की सूखी बल्ली, इसको तारबाड़ पे फिट करने वाला हूं। इस वाले पोर्शन से होगी घेरबाड़, इस वाले पोर्शन पे एक लकड़ी का टुकड़ा लगेगा जैसे हमने यहां पे की है। यहां से जानवर नहीं आते हैं ऊपर जंगल से, और यहाँ से जानवर इसके नीचे से घुस रहे हैं अंदर, और यहाँ पर आगे जानवरों के द्वारा पूरा टैंक हमारा फाड़ा गया। उनके खुर होते हैं काफ़ी पहने, इससे हमारा काफ़ी पानी लीकेज हो गया था। तो दोबारा ऐसी गलती ना हो तो यहाँ पे हमें एक रोकथाम करनी पड़ेगी। यहाँ से कोई जानवर गया था बड़ा, अंदर घुसा था और उसने पूरा हमारा टैंक यहाँ पे ख़राब किया। तो जानवरों से बचाव के लिए हमें यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम लगाना पड़ेगा। परफेक्ट तारबार फिटिंग हो गई है, अब कोई भी जानवर नीचे से नहीं घुसेगा और हमारे टैंक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहले जानवर नीचे से घुस रहा था, तो इसकी तर्ज पे हमने यहाँ पर भी बहुत ही सेटिंग घेरबाड़ कर दी है। ये तार पहले ढीली थी और अब परफेक्टली पूरी तार अपनी जगह पे काम करेगी। छोटी छोटी गलतियों से आदमी सीखता है और हमें लगातार यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने काम से अपने एक्सपीरियंस से सीखने की ज़रूरत है और सीखते रहते हैं। दोस्तों शाम के 5 बज गए हैं और लगातार काम मेरा प्रोसेस पे है, तो अभी मैं शाम को पत्थर का सरान कर रहा हूँ इस कंडी में। तो दोस्तों आज सुबह से और शाम तक मैंने जो काम किए हैं, कुछ जौ की बालियों की गठियाँ बनाई, उसके बाद फार्म हाउस में आकर के अपने रूट स्टॉक के नए पौधों में पानी दिया, फिर नर्सरी में जो हमने नर्सरियाँ डाल रखी हैं उनमें पानी देने का काम किया, और कुछ मेडिसिनल पौधे थे उनमें भी पानी दिया, और फिर यहाँ पे 2-4 कट्टे रोड़ियाँ तोड़ी। तो यही काम करके आज का दिन मेरा व्यतीत हुआ है। दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल हिमराट कल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम अन्य विषय पर भी सुंदर सुंदर वीडियो बना करके आपका एंटरटेनमेंट कर सकें, आपका मोटिवेशन कर सकें। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।